अभी जो स्थिति चल रही है, मतलब अपने कोरोना वायरस के हिसाब से तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि भी ये अपने तरफ से भी मुझे सरकार में कुछ योगदान देना चाहिए, तो उसके वजह से मैंने दिया है। 5,11,000 रुपया का डोनेशन किया है मैंने बस। और तो बाकी दूसरे भी जो काम हैं वो भी चल ही रहे हैं, मतलब अपने 5 शिविर ऑलरेडी चल रहे हैं, जिसमें मतलब अपने सेवा केंद्र चल रहे हैं, जिसमें हम लोग भोजन वगैरह सब लगभग 14,000 आदमियों को तो मतलब अपने भोजन भी दोनों टाइम मिल रहा है हमारे यहाँ से। पूरी सब्जी है दिन में, रात को शाम को खिचड़ी है, ऐसा करके तो लगभग उसको तो 10 एक दिन हो गए ऑलरेडी, 10 दिन से कंटिन्यू है। और जितना बनता है उतना एक जागरूक नागरिक के हिसाब से भी और जिम्मेदार नागरिक के हिसाब से जो हम लोगों को करना चाहिए वो समाज के हिसाब से करते हैं हम लोग। मतलब सर अभी जो मुख्यमंत्री साहब इतने बिजी शेड्यूल में, मतलब इतनी कोई खास बातचीत नहीं है अभी तो, मतलब खास करके 5,11,000 का चेक दे करके और साधारण ये जो अभी जो लोगों के लिए अभी सेवा केंद्र जो चालू है और उसमें जो भोजन वगैरह हम लोग दे रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हुई, बाकी कोई दूसरी लंबी कोई चर्चा नहीं हुई उनके साथ। बस समाज को मैसेज ये देना चाहता हूँ कि भाई सरकार जो भी आदेश करे उसका पालन करे, लोग बाग अपने घर में ही रहे, सुरक्षित रहे, ज़्यादा बाहर जाने की कोशिश ना करें, अपने घर में बैठें और आराम से मतलब अपने परिवार को संभालें और जल्दी से जल्दी ये जो समस्या है वो उसका निकाल हो। और ऐसी इच्छा रखते हैं कि भी किसी भी तरह से इसमें से जो अभी आपत्ति आई है अपने देश के ऊपर, तो उसमें से जल्दी अपने बाहर निकलें और फिर से राबेता मुझे सब ज़िंदगी जो है लोगों की चलने लगे, व्यापार धंधे लोग काम धंधे में जाने लगे, अपने कारोबार में लग जाए, यही चाहते हैं हम लोग।